यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12th इंग्लिश का हाफ ईयरली पेपर। कब का है करे जालो? ये इंग्लिश का हाफ ईयरली पेपर है 2023-24 का, जो इस समय एग्जाम चल रहे हैं उसका है। 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर आया था। अगर आपका पेपर भी नहीं हुआ है ना तो आप लोग तैयार कर लीजिए। जितने भी मैं पेपर दे रहा हूँ हाफ ईयरली वाले, सभी पेपर को क्या करना है आपको, तैयार कर लेना है, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम में आपको यहीं से आएंगे और फोड़ कर चले आना है यार 100 में 100, ठीक ना। हाफ ईयरली में कुछ भी नहीं रहता यार, आपकी स्कूलों में यही प्रश्नवा पूरे आएंगे। 3 घंटे 15 मिनट का टोटल क्या दिया जाएगा आपको, टाइम दिया जाएगा, और उसी 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरा पूरा ये क्लास 12th इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि पहला 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, और इस प्रश्न पत्र में कुल 4 सेक्शन है, ए बी सी डी, यानी कि आपका पैसेज, बी आपका लेटर राइटिंग आर्टिकल राइटिंग, सी आपका ग्रामर, और डी आपका लिटरेचर। तो ये पैसेज वाला रहेगा, रीडिंग वाला रहेगा, बी आपका जिसमें आर्टिकल और लेटर रहेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये क्या रहेगा, डिवाइड रहेगा। ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन ऑल कंपल्सरी, यानी कि सभी क्वेश्चन सभी सेक्शन को करना क्या है आपको, अनिवार्य रहेगा। और जो नंबर रहेंगे वो क्वेश्चन के सामने दिए रहेंगे। अगर आपका हाफ ईयरली पेपर हो गया हो प्लीज यार इस नंबर पर आप लोग सेंड कर दीजिएगा 95-69-08-54-27 पर, 54-27 पर, ताकि जो बचे हुए बच्चे हैं ना, जो जिनका अभी पेपर नहीं हुआ है, वो लोग अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर कर सकें SKM स्टडी के साथ, ठीक है ना। और क्योंकि उनका भी समय हाफ ईयरली पेपर चल ही रहा है तो उनका हेल्प हो जाएगा, शायद जो आपके स्कूल में आया हुआ है वो उनके में आ जाए, और जो आपके में आने वाला है वो उसका उनका आया हुआ हो तो मैं आपको पेपर दे दूंगा। उसके बाद सबसे पहला आप देखिए सेक्शन ए प्रश्न आया हुआ था, सेक्शन ए आपका रीडिंग था। यहाँ पे आया हुआ था रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द एंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, यानी कि यहाँ पे एक पैसेज आया हुआ है, देयर इज ए फेमस वर्सी विच टेल्स अस शमशान विशा, ठीक है ना। सिलेगर कहाँ तक है, गो माई डियर, यहाँ से यहाँ तक है। तो ये पूरा पूरा पैसेज, अगर इसका स्क्रीन शॉट करना है तो इसका स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा आप लोग। ये पैसेज है और यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। बहुत बच्चे कमेंट करें सर ये हमारे कोड पेपर कोड आया हुआ है, हमारे जो हमारा भी पेपर हुआ था उसमें कोड आए हुए हैं। तो देन यार मैं क्योंकि आपका ही कोड बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको अलग से दे रहा हूँ, नहीं, जो आपके पेपर में आए हुए कोड है जो आपके स्कूल में, वही मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन ए है यहाँ पे, व्हाट आर क्वालिटीज आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन बींग, यानी क्या क्या ऐसी क्वालिटी है वुमेन बींग की, जिसकी वजह से वो क्वालिटी को अपने क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे बी वाला, व्हाट आर द टू इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द ट्री ऑफ लाइफ ट्रीज ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज दियर इफेक्ट ऑफ वुमेन बींग। तो ये आपका कितने नंबर का है, 3-3 नंबर के आपके पेपर है, प्रश्न है आपके। फिर आप इसी वाला है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द इंसेंस ऑफ लाइफ, 3 नंबर का है। और यहाँ पे है डी वाला, व्हाट इंपॉर्टेंट एडवाइस टू लक्ष्मण मदर गिव हर सन व्हेन ही वाज रेडी टू गो द फॉरेस्ट विद रामा, यानी कि जब वो राम के साथ जाने लगे थे तो कौन सी उनकी माँ ने उनको एडवाइस दिया था, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको गिव द लिटिल ऑफ दिस पैसेज, यहाँ से छोटे से आपको यहाँ पे बताना है, 1-1 नंबर वाला, तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपका सेक्शन भी आपका राइटिंग आया था, क्या था आपका राइटिंग आया हुआ था 10 नंबर का देख सकते हैं। और ये क्या था आपका आर्टिकल था, क्या था आपका आर्टिकल था, आर्टिकल था। और क्या था आपका लेटर राइटिंग था, देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल किस पे आया हुआ है, द रोल एंड प्लेस ऑफ वुमेन इन फ्री इंडिया, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे आपको रोल बताना है कि वुमेन का क्या रोल है एंड यहाँ पे उनके लिए क्या क्या सुविधाएं, इसके बारे में इन्होंने आर्टिकल पूछा था आपके पेपर में, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड वाला है, टेररिज्म पर आया था, ए ग्लोबल प्रॉब्लम एंड इट्स वांट इफेक्ट, यानी कि जो टेररिज्म है यह एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, इस पर उन्होंने क्या पूछा है, एक सवाल पूछा है, ठीक है ना। तो इन सब सारे आप प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा, अगर आपका पेपर चल रहा है ना
हाफ ईयरली का, तो इसे तैयार कर लीजिएगा। देखिए तीसरा वाला है डेवलपिंग द कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द विलेज, यानी कि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, कॉटेज आपके औद्योगिक है, उसको विलेज में यानी कि अपने गांव में कैसे हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पे आया है आपका लेटर राइटिंग लिखने के लिए, क्या लिखने के लिए, लेटर राइटिंग लिखने के लिए, या फिर आप इस पे लेटर राइटिंग लिखिए या फिर आप इस पे लिखिए। देखिए 10-10 नंबर का है, राइट ए कंप्लेंट लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ड्राइविंग हिज अटेंशन टूवर्ड द फ्रिक्वेंट ब्रेक डाउन इन इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई इन योर कॉलोनी, लाइफ हैज बिकम ए हेल विदाउट द प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इमीडिएट एक्शन विल बी सॉलिसिएट सॉलिसिएट। तो ये आपका क्या लेटर राइटिंग आया है, देख सकते हैं 10-10 नंबर का। इस लेटर राइटिंग को तैयार कर लीजिए। अगर इसका आपको सोल्यूशन चाहिए तो भी कमेंट कर दीजिएगा आप लोग सोल्यूशन के लिए, ताकि मैं इसका क्या करवा दूंगा, आपको सोल्यूशन करवा दूं, ठीक है ना। तो देन इसको तैयार कर लीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करवाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए सेक्शन सी आपका ग्रामर से, यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे 10 नंबर का आया हुआ है, डिसलाइक ऑफ ए अवर्शन टू मैरिज इज, क्या हो जाएगा यहाँ पे। फिर बी वाला है द फ्रेज पुल ए फास्ट वन मीन्स, क्या हो जाएगा द सिनोनिम्स, ठीक ना, एस्टोनिशमेंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, द पोयम हैज मेनी, ये वाला है आपका। और फिर यहाँ पे एंटोनिम्स अराइवल का क्या हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको चेंज करना है, जैसे यहाँ पे है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, पे इनडायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है, ही सेड वी कैन नॉट बी क्विट हैप्पी इन दिस लाइफ। और उसके बाद यहाँ पे है माई फ्रेंड सेड टू मी आई कम टूडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो, यानी मैं आगरा कल छोड़ रहा हूँ। फिर भी वाला यहाँ पे कंबाइन करने के लिए, जैसे यहाँ पे है ही गेव देम एडवाइस, ही हेल्प्ड देम लिब्रेली, ये इसको किस में बदलना है, आपको सिंपल सेंटेंस बदलना है और इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। डू यू वॉन्ट टू सी द फिल्म स्टार ऑफ इंडिया, यू मस्ट टू मुंबई। उसके बाद यहाँ पे आपको चेंज एनी वन द फॉलोइंग डायरेक्टेड, जैसे इसको पैसिव वाइज में इसको आपको अफर्मेटिव बदलना है, हिज डेथ शॉक्ड मी, इसको पैसिव वाइज में बदलना है, और इसको नो वन विल डेनी दैट सुरेश टायर्ड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, इसको आपको अफर्मेटिव बदलना है। डी वाला क्या है, करेक्ट एनी वन द ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको इसको करेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे द बॉय टोल्ड ए लाई लिस्ट ही शुड नॉट बी पब्लिश्ड, और यहाँ पे होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है यूज एनी वन द फॉलोइंग पेयर्स, यहाँ पे जो पेयर दिए उसको यूज करना है, जैसे यहाँ पे अल्टर है ए एल टी ए आर और यहाँ पे ए एल टी ई आर है, ठीक है, यहाँ पे रिस्पेक्टफुल है और यहाँ पे रिस्पेक्टेबल है, इसको आपको यूज करना है, 2 नंबर का है। उसके बाद आपको ट्रांसलेट करना है, ये आपके हर एक अर्धवार्षिक पेपर में आ रहा हुआ आ रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, तैयार कर लेना। आप जितना भी आप हाफ ईयरली का पेपर देखेंगे सभी भी ये क्वेश्चन जो है छपे छपाए हैं, क्या है, छपे छपाए हैं, इसलिए आप इसे तैयार कर लेंगे, ठीक है ना, हाफ ईयरली का। और मैं कोशिश करूंगा इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी भेज दूं, तो टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। फिर यहाँ पे सेक्शन डी आपका लिटरेचर क्या है, द लास्ट लेसन नेम द कंट्रीज हु आर फाइटिंग एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, अथवा में आप ये कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वार द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर। उसके बाद यहाँ पे 8वां वाला है, आप ये आप 80 शब्दों में देना है। फिर यहाँ पे आपका एक एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट को पढ़ को आपको क्या देना है, इसका आंसर देना है। ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, जो कहते हैं ना गद्यांश पद्यांश वही है, तो यहाँ दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है और पढ़ के इसको अच्छे से आंसर देना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी आंसर दे दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये भी हाफ ईयरली एग्जाम है, तो हाफ ईयरली की अगर तैयारी करें तो यार बेस्ट तरीके से करेंगे, बढ़िया रहेगा।
उसके बाद यहाँ पे है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया तो इंपॉर्टेंट ही, जैसे माई मदर एट 66, कीपिंग फिट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये आपका इंपॉर्टेंट ही है, जो कि आपके 4 अंकों का आपके पेपर में आने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे आपको 40 शब्दों में देना है, जैसे व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इज सिचुएटेड, 8 नंबर का यहाँ पे, हाउ डिड, ठीक ना, चार लाई इंटर द थर्ड लेवल, और यहाँ पे आपका बी वाला है, हु वाज द टाइगर किंग, हाउ वाज ही नेम्ड सो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आर अबाउट 80 वर्ड में यहाँ पे देना है, हाउ वाज द हंड्रेड टाइगर किल्ड, और यहाँ पे ये वाला। तो ये आप देख सकते हैं हाफ ईयरली का पेपर है आप सभी का, और ये हाफ ईयरली का पेपर तैयार कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ मैं काम करूंगा, टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी, मैं उस पर भेज दूंगा, आप लोग जाके वहां से पूरा पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाफ ईयरली का सारे पेपर मैं वहां प्रोवाइड कर दूंगा, और जितने बच्चों का हो रहा है उनका भी मंगा के आपको दे दूंगा, ताकि आप तैयार कर लें और जाएं यार पेपर में पूरा पूरा छाप कराएं। बस हमारा यही टारगेट है कि आपको अच्छा नंबर दिलाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यार अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और शेयर कर देना है दबाकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।